कृष्णा, आइए हम आपको दर्शन कराते हैं। इस्कॉन नोएडा के बहुत सुंदर भगवान हैं श्री श्री राधा गोविंद देव। तो सेंटर में हैं श्री श्री राधा गोविंद देव जी हैं, आप देखिएगा। ये श्री श्री राधा गोविंद देव और ये हैं श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया। और आगे चलते हैं, इधर श्री श्री गौर निताय, बहुत सुंदर डीटी हैं, आप सब देखिए। तीनों डीटी भगवान के विग्रह एक ही अल्टर में स्थित हैं। बहुत सुंदर भगवान के दर्शन हैं। आज संडे का दिन है तो भगवान बहुत सुंदर तरीके से दर्शन दे रहे हैं अपने भक्तों को। आप देख सकते हैं और प्रभुपाद जी की आवाज़ आ रही है हरे कृष्ण महामंत्र की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे महामंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। मंदिर के ऊपर आप देख सकते हैं बालकनी में, और चारों तरफ हरे कृष्ण महामंत्र लिखा गया है। यही जो कलयुग का तारक मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, इसके बारे में वेदों में बताया गया है। इति षोडशकम नामना कली कलमस नाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। अब हम ले चलते हैं आपको इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, उनके दर्शन के लिए। इन्हीं की ध्वनि में यह हरे कृष्ण महामंत्र आपको सुनाई दे रहा होगा। और इनके थोड़े बगल में आप यहाँ पर शिला प्रभुपाद के बगल में देखें तुलसी महारानी के भी दर्शन हो रहे हैं। पीछे कालिया है के ऊपर भगवान नृत्य कर रहे हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से मंदिर के दीवारों पर यहाँ डायरामाइज लगे हुए हैं भगवान के। बहुत सुंदर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भगवान की बहुत सुंदर तरीके से मूर्ति को लगाया गया है, भगवान के विग्रहों को। ये डेकोरेशन के तौर पर यहाँ पर मंदिर के चारों तरफ सजाया गया है बहुत सुंदर तरीके से। ये हम शिला प्रभुपाद का ये आसन है, दिव्य आसन, इसके हम दर्शन करा रहे हैं। और यहाँ पर एक विशेष आकर्षण और भी है। इस्कॉन मंदिरों में सब जगह होता है, कहीं होता है कहीं नहीं भी होता है। ये एंट्री गेट है और यहाँ आप देख सकते हैं गरुड़ स्तंभ इसको बोला जाता है। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में भी गरुड़ स्तंभ है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भगवान के दर्शन किया करते थे। वहाँ से आगे नहीं जाते थे, वहाँ पर भगवान के हाथ के अंगुली के चिन्ह भी इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर भी गरुड़ जी के सुंदर दर्शन होते हैं। गरुड़ जो भगवान के वाहन हैं, भगवान इनके ऊपर वाहन करते हैं, हम गरुड़ जी की परिक्रमा करेंगे। इसके बाद आपको लिए चलते हैं परिक्रमा मार्ग में, पुनः भगवान श्री श्री राधा गोविंद देव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया और श्री श्री गौर निताय के दर्शन कर रहे हैं। और ये है मंदिर का परिक्रमा मार्ग, परिक्रमा यहाँ लिखी है। यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर श्लोक लिखे हैं, ये भगवद गीता का श्लोक है। अन्य निश्चिन्त्यन्तो माम ये जना परिपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहामि हम। अब इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो हम और भी आपको श्लोक दिखाएंगे, यहाँ पर सुंदर लगे हुए हैं। ये मैं संस्कृत के श्लोक पढ़ रहा हूँ, आप हिंदी इसमें देखिएगा। ये है भगवद्गीता के 8वें अध्याय का 5 नंबर श्लोक। अंतकाले च माम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यो प्रयाति समद्भावो यान्ति नास्यत्र संशयः। ये हिंदी में इसका अनुवाद आप पढ़िएगा। ये यहाँ भगवान की रसोई है, ठाकुर जी की रसोई, राधा रानी का किचन भी इसको बोलते हैं। यहाँ भगवान के लिए भोग बनता है, उसका ये एंट्री गेट है और एग्जिट भी यही है। और आगे चल के देखिए, और एक परिक्रमा में एक सुंदर श्लोक लिखा है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला
11.28। मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ, आप अनुवाद बाद में पढ़ सकते हैं। ये मे भक्त जना पार्थ न मे भक्तस्ते जन मद भक्ता च ये भक्तस्ते मे भक्तमा मत। और आगे परिक्रमा मार्ग में एक और श्लोक आप देख सकते हैं, भोक्ता राम एक तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञातवा माम शांति मृक्षति। भगवद गीता के 5वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक है, आप इसका अनुवाद पढ़ सकते हैं। मैं इसलिए थोड़ा आपको वेट करा के यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और इस तरफ दो फोटो लगी है भगवान की, बहुत सुंदर, आप देख सकते हैं। इस्कॉन के सारे ब्रांच की फ़ोटोज़ हैं, कुछ मैंने पहले आपको जहाँ श्लोक दिखाए उस तरफ रीति दिखाई नहीं, लेकिन यहाँ पर और देखिए सुंदर बैक साइड में परिक्रमा मार्ग में एक सुंदर भगवान का श्री श्री राधा गोविंद देव जो जयपुर में स्थित हैं, रूप गोस्वामी के ये डीटी माने जाते हैं, उनके विग्रह हैं, इनके सुंदर दर्शन। यहाँ पर भी एक श्लोक लिखा है, दिव्य वृंदावनियम कल्पद्रुम माधव श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा शील गोविंद देव पृष्ठालभी शिव्य मानव स्मरामी। ये सुंदर दर्शन है गोविंद देव जी के जो जयपुर में स्थित हैं। और आगे सीता राम लक्ष्मण हनुमान के दर्शन हैं। ये परिक्रमा मार्ग में ऐसे सारी फोटोज लगाई गई है भगवान के सुंदर सजाने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक श्लोक और है, इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकारम भगवान ऋषि निश्रेयस्य लोकस्य यंतम स्वस्तनम महत। इसका अनुवाद आप पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 3रे अध्याय का 40 नंबर श्लोक है। और एक श्लोक यहाँ पर है, आप ये भी देख सकते हैं, तस्मा द्वारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि स्वतव्यम कीर्तव्य स्व स्मृतव्यम स्वताभ्यम। ये इसका अनुवाद भी आप पढ़ सकते हैं, ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो सेकंड स्कंद का पहला चैप्टर का 5 नंबर श्लोक है। यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चे भी दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं सभी लोग। हाँ हाँ, और एक श्लोक है यहाँ पर, यह बहुत ही एसेंशियल श्लोक माना जाता है, चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक को दिया था। शिक्षाष्टकम में एक श्लोक है, 3 नंबर का श्लोक, तड़ादपि सुनिचेन तरोरि सहज गुणानाम अमानिनाम मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो इसका अनुवाद आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद और आगे परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी देखिए एक सुंदर सदस्य है भगवान का, राधा कालाचंद जी इस्कॉन प्रहलास। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर फोटोज मैंने दिखाई आपको, विग्रह लगाए गए हैं। और आप परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो एक और सुंदर श्लोक है, ये वो श्लोक है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जिस्कॉन के एक गुरु हैं, आचार्य हैं, उनको उनके गुरु महाराज शिला प्रभुपाद ने महाराज बताते हैं कि पहली बार श्लोक कोट किया था, यथा तरो मोन निषेचने न तप्तंत स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहास्य यथा इंद्रियाणम तथैव सर्वाहणम उत्तेज्य। यह सुंदर एक श्लोक है, इसका अनुवाद आप पढ़िए। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार अगर आप भगवान की भक्ति करते हो तो सब कुछ संपूर्ण हो जाता है, एग्जाम्पल देके बताया गया है। और आगे एक भगवान की सुंदर विग्रह देखिए, श्री श्री राधा मदन मोहन गल, ये जर्मनी का है, वहाँ पर स्थित है भगवान इस्कॉन के डीटी हैं। और आगे चले श्री श्री राधा गोपाल अरवड़े, महाराष्ट्र में अरवड़े, जहाँ परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का गांव भी है, वहीं महाराज का जन्म हुआ था। और आगे एक सुंदर और भगवान का विग्रह आप देख सकते हैं फोटो, श्री श्री राधा गिरिधारी मीरा रोड, ये मुंबई में स्थित है। तो इस तरीके से बहुत सुंदर तरीके से इस्कॉन के सारे मंदिरों के दर्शन यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में भी कराए गए हैं फोटो के थ्रू। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र वेस्ट वर्जीनिया में ये हैं, ये स्थित है भगवान के विग्रह, तो उनकी एक सुंदर काया यहाँ प्रतिमा लगाई गई है। और अंतिम एक श्लोक यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में लिखा हुआ है, यज्ञार्थार कर्मणो नेत्रम लोकोयम कर्म मंदिरम तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। ये इसका अनुवाद आपको पढ़ना है, ये श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय का 9 नंबर श्लोक है, ये बहुत सुंदर श्लोक यहाँ पर बताया गया है। तो अभी परिक्रमा मार्ग समाप्त हुआ, अब ये देखिए टेंपल हॉल है, हम दूर से आपको दिखा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं, सुबह का टाइम है, आज संडे है, और यहाँ कुछ माता जी लोग यहाँ पर फ्लावर्स बनाते हैं, फ्लावर की माला बनाते हैं भगवान के लिए, भगवान के एल्टर के लिए सुंदर माला यहाँ। और यहाँ पर
अभी गीता मैराथन चल रहा है, उसके तुलादान का यहाँ एडवर्टाइजमेंट किया गया है और गीता जयंती के ऊपर पोस्टर लगाया गया है। इस तरीके से ये पूरा हमने टेंपल हॉल आपको दिखाया, इस्कॉन नोएडा सेक्टर 33 NTPC के ये अपोजिट में इस्कॉन मंदिर, सुंदर मंदिर है। कभी और उसको हम ब्रॉड तरीके से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये शिला प्रभुपाद के दर्शन दोबारा कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद देव गौर नित्याय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय।